दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मीशो एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ, यदि आप मीशो एप्लीकेशन पहली बार ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पर साइन अप या अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है, तो आप उसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में यही बताएंगे कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना अकाउंट एड्रेस सब कुछ कैसे वेरीफाई करना है और कैसे आपको सही अकाउंट बनाना है और कैसे आपको जो कि कैशबैक मिलता है यानी कैसे किसी भी जो कि सामान पर छूट रहता है कैसे आपको उसे लाभ लेना है, तो इस वीडियो में यही बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना है, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि जब हम कोई ऐसी ही वीडियो लाएं उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर यही देख सकते हैं जो कि मीशो एप्लीकेशन यही है, तो मैं इस एप्लीकेशन को सीधा ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मैंने मीशो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लिया, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जो भी मेरा लैंग्वेज है तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ओके किए तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर जो कि प्रोडक्ट आ चुका है, तो उसके बाद मैंने कट किया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो कि यहाँ पर हेलो का ऑप्शन है, ऊपर लॉगिन का जो कि हेलो का ऑप्शन है और नीचे अकाउंट। तो जी हाँ, यहाँ पर आपका एक नंबर, जैसे हेलो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नंबर शो होगा, तो उसके आप चाहे कट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट एक्शन पूछ रहा है यानी किसके थ्रू आप जो कि यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल के यूज करना चाहता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं अभी आपको 2 नंबर और पूछेगा, यदि आपका नंबर इसमें से है तो ठीक कीजिए, नहीं तो यहाँ से नन आप रिमूव करके आप यहाँ से नंबर फिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पर जो कि नंबर फिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी हाइड किया जाएगा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मैंने फिट कर दिया, उसके बाद OTP आएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं तो जो कि मैंने यहाँ पर OTP फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने कुछ यहाँ पर जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 9 रुपये का प्रोडक्ट है। जी हाँ, ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं जो कि डील फ्रॉम, तो जी हाँ यहाँ पर देख रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप अकाउंट पर आएंगे जो कि यहाँ पर माई अकाउंट से, तो यहाँ पर जो कि सबसे पहले यहाँ पर कोई एक पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं सीधा यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना होगा, जो भी यहाँ पर है आपका फुल नेम वो लिखना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका रेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल लिखना होगा, जो भी ईमेल है वो आपको लिख लेना होगा। उसके बाद ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो कि यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ईमेल अपना जो कि सही सही लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लैंग्वेज फिर से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पेशन है तो जी हाँ, यहाँ पर जो भी हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा। सो उसके बाद यहाँ पर बिजनेस नेम है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं, यहाँ पर एजुकेशनल लिख देता हूँ यानी एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको लिखना होगा, बट यहाँ पर जो भी ऐड किया जाएगा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी चूज करना होगा, जो भी आपका सिटी है वो आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं नीचे आपको स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश जो कि मेरा सिटी है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सेव पर आपको क्लिक करना होगा, तो इतना सब कुछ लिखने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो कि सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो कि हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना होगा, जो कि अदर इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बात करते हैं कि एड्रेस आपको कैसे सेट करना होगा, तो यहाँ पर एड्रेस सेट करने के लिए आपको कोई भी एक सामान बुक करना पड़ेगा, यानी बुक नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर तो भी यहाँ पर बुक करने जैसे ही आप बुक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग आ जाएगा जो कि एड्रेस फिल करने का। तो मैं यहाँ पर जो कि सो यहाँ पर मैं कोई एक प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर उससे पहले आप देख सकते हैं मैंने सारा ऑप्शन चेक कर लिया, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर एड्रेस फिल करने का या एड्रेस फीड करने का यानी एड्रेस लिखने का। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट जो कि मैंने यहाँ पर जो कि एक केबल देख रहे हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर जैसे बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं एड्रेस आपको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे तो आपका जो भी एड्रेस रहेगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं गेटिंग योर लोकेशन। तो जी हाँ, आप अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर मेरा एड्रेस लिख के आ चुका है। जी हाँ, आपको इसी एड्रेस पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया, सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बिल्डिंग नंबर, होम नंबर, यहाँ से आप लिख सकते हैं कुछ भी आप डाल सकते हैं, गांव से हैं लेकिन आप शहर से हैं तो आपको अपना सही से जो कि एड्रेस डालना होगा, यानी पिन नंबर, होम नंबर, जो भी हो आपका अपना बिल्डिंग नंबर सब कुछ डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो कि रोड है, जो कि नेम, जो कि एरिया कंट्री है, तो जी यानी जो कि कॉलोनी है, तो यहाँ पर भी मैंने फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर जो कि आपको फिर से लिखना होगा, क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पर जो भी आपका ऑर्डर रहेगा इसी पर कॉल करके पूछेंगे कि आपका आना कहाँ है और कहाँ पर देना है। तो जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पर नाम और जो कि नंबर लिखने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपका एड्रेस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो जी हाँ, इसी प्रकार आप भी जो कि मीशो में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो संबंधित कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट जरूर पूछना। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट।